हेलो एवरीवन, सो ये हमारे पास एंकर सॉन्ड्रस की नाइन्थ एडिशन की बुक है। हम लोग पढ़ रहे थे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, जिसमें कि इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी और कार्डियोवास्कुलर के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। थेरापियोटिक मैनेजमेंट भी आप उसे हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए थेरापियोटिक मैनेजमेंट्स किए जाते हैं और उन मैनेजमेंट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं एक हर्ट को वापस से नॉर्मली बीट कराने के लिए, तो उसके लिए परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी की जाती है जो हमने पढ़ लिया था, लेजर असिस्टेड एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी आर्टरी स्टेंट, एथेरेक्टॉमी, ट्रांसमायोकार्डियल रिवास्कुलराइजेशन, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ये सभी चीजें हमने पढ़ ली थी। ये बाईपास के स्ट्रक्चर्स हमने देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं हर्ट ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें कि अगर कोई ऐसी कंडीशन हुई जिसमें कि उस हर्ट में अब कुछ भी करने के बाद भी वो हर्ट नहीं काम कर रहा है, तो उस केस में एक नया हर्ट उस पेशेंट को लगा दिया जाता है और जो डोनर हर्ट होता है, मतलब जो हर्ट दे रहा है या फिर बाहर से बॉडी में लग रहा है, उसको हम लोग डोनर हर्ट कहते हैं। जो इंडिविजुअल डोनर हर्ट देता है, वो जो वो हर्ट ले रहा है जिसकी बॉडी में वो हर्ट लगना है, उसके ही कंपेरेबल बॉडी वेट का होना चाहिए, एबीओ कंपैटिबिलिटी होना चाहिए, मतलब ब्लड ग्रुपिंग वगैरह जो कुछ भी है वो मैच होना चाहिए। जब डोनर इंडिविजुअल के बॉडी से हर्ट को निकाल दिया जाता है, तो उसके 6 घंटे के अंदर ही उस रेसिपिएंट बॉडी में वो हर्ट लग जाना चाहिए। फिर क्या है कि जो सर्जन्स होते हैं, जो सर्जरी कर रहे होते हैं हर्ट ट्रांसप्लांटेशन की, तो क्या कहते हैं कि जो हमारा हर्ट है उसका जो एट्रियम है, एट्रियम के पोस्टीरियर पोर्शन को वैसे ही रहने देते हैं बॉडी में, और क्योंकि वो एक एंकर का काम करेगा न्यू हर्ट के लिए, मतलब जो हमारा पुराना हर्ट था उस हर्ट के एट्रिया वाले पोर्शन को वैसे ही रहने देते हैं और बाकी का पूरे हर्ट को रिमूव कर देते हैं। वो जो एट्रिया वाला पार्ट होता है वो न्यू हर्ट के लिए एक एंकर का काम करता है, मतलब एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है जो कि उसको आगे उसकी फंक्शनिंग में हेल्प करेगा न्यू हर्ट को। अब क्योंकि एट्रिया का कुछ पार्ट बचा हुआ है, रेमिनेंट है, तो इसीलिए जो उसकी ECG ली जाएगी उस पेशेंट की, तो उसमें 2 P waves दिखाई देते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ECG में जो PQRST वेव्स बनती है, उसमें जो P वेव होता है वो एट्रिया के कारण बनता है। इसलिए अब इस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में 2 एट्रिया हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे 2 P waves देखने को मिलती है ECG स्ट्रिप में, और ये दोनों ही वेव अनरिलेटेड होती है एक दूसरे से। फिर है द ट्रांसप्लांटेड हार्ट इज डिनर्वेटेड एंड अनरिस्पॉन्सिव टू वेगल स्टिमुलेशन, मतलब कि जो हार्ट को ट्रांसप्लांट किया गया था वो डिनर्वेटेड होता है, मतलब कि उसमें नर्व सप्लाई नहीं होती और वो वेगल स्टिमुलेशन या किसी भी तरह के स्टिमुलेशन देने पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, अनरिस्पॉन्सिव होता है। मतलब बॉडी में अगर कुछ भी हो रहा हो, स्ट्रेस वगैरह हो रहा हो या एक्सरसाइज करे या कुछ भी करे, तो जैसे हमारे हर्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है, लेकिन जो ट्रांसप्लांटेड हर्ट है उसकी इन चीजों में एक्टिविटी नहीं बढ़ती क्योंकि उसमें नर्व सप्लाई नहीं पहुंच पाती। हम लोग आर्टरीज वगैरह ब्लड सप्लाई को तो जोड़ देते हैं हर्ट से, लेकिन नर्व वगैरह नहीं जोड़ पाते, इसीलिए उसको डिनर्वेटेड कहा जाता है और अनरिस्पॉन्सिव टू वेगल स्टिमुलेशन कहा जाता है। और जब उसमें नर्व सप्लाई नहीं जुड़ी, तो इसीलिए उस पेशेंट को एंजाइना होने का एक्सपीरियंस नहीं हो पाता। फिर सिम्टम्स होते हैं कि हर्ट रिजेक्शन की क्या क्या सिम्टम होते हैं, तो अगर हाइपोटेंशन हो रहा है, डिसरिथमिया हो रहा है, वीकनेस हो रही है, फैटिग हो रहा है, डिजीनेस हो रहा है, तो ये सारे ही सिम्टम है हर्ट रिजेक्शन की। इनके लिए अगर ऐसे सिम्टम दिखाई दे, तो उसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट में एंडोमायोकार्डियल बायोप्सीज की जाती है, जो कि रेगुलर शेड्यूल इंटरवेल्स में परफॉर्म की जाती है। और जो पेशेंट में ये ट्रांसप्लांटेड हर्ट लगता है, उसको लाइफ टाइम पूरी जिंदगी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग थेरेपी चलती है, उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाने पड़ते हैं, क्योंकि ये एक फॉरेन चीज है, एक ट्रांसप्लांटेड हर्ट एक फॉरेन चीज है और फॉरेन चीज को हमारी बॉडी हमेशा ही बाहर निकालने की या रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, इसीलिए इम्यूनोसप्रेसेंट्स दिए जाते हैं जो कि उसके इम्यून को सप्रेस कर देते हैं, लो कर देते हैं, ताकि वो इस हर्ट पे कोई भी इफेक्ट वगैरह ना डाले। तो इसीलिए जब इम्यूनोसप्रेसिव पेशेंट है, तो उसको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक और विजिलेंट हैंड वॉशिंग की जरूरत ज्यादा पड़ती है इस पेशेंट में। आसपास का एरिया एकदम क्लीन होना चाहिए और स्टराइल होना चाहिए। फिर जो न्यू हार्ट रेट होती है वो 100 beats per minute के हिसाब से होती है और वो कोई भी एक्सरसाइज या स्ट्रेस वगैरह के कंडीशन में स्लोली रिस्पॉन्ड करती है और कोई भी कॉन्ट्रैक्शन वगैरह या कार्डिक आउटपुट उसका जो है वो सब भी स्लोली ही रिस्पॉन्ड करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कार्डिक डिसरिथमिया। कार्डिक डिसरिथमिया में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, नॉर्मल साइनस रिथम, साइनस ब्रैडीकार्डिया, और भी पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छे से, एक वीडियो में अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। फिर ये सब कुछ है, साइनस ट्रैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्सेट में तो बहुत पूछते हैं इसको, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए, हम पूरी ही एनक्लेक्स की बुक सॉल्व करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।